नमस्कार। कौन सा ऐसा सिचुएट हम चैंट करें जिससे जीवन में एक नया उत्साह भर जाए। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं, कोई परेशानी भी नहीं है लेकिन खुश नहीं है। अंदर से इनर हैप्पीनेस जो होती है ना, अंदरूनी हम खुश नहीं है, परेशान रहते हैं, या रीज़न भी नहीं समझ पाते कि क्या रीज़न है, हम क्यों परेशान हैं या हम किससे क्या चाहते हैं। बहुत बार हम चीज़ें मन में दबी रह जाती हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो जब ऐसा हम करते जाते हैं तो अंदर से एक उदासी छा जाती है जीवन में। तो कौन सा ऐसा स्विचवर्ड हम चैंट करें जिससे कि हमारे जीवन में उत्साह भर जाए। तो आज मैं बता रही हूँ एक आपको ऐसा स्विचवर्ड जो कि कई सिचुएशंस में आप जिसको इस्तेमाल करेंगे। तो स्विचवर्ड है सनराइज। आपको चैंट करना है सनराइज। सनराइज एक ऐसा स्विचवर्ड है जो बड़ी सारी परिस्थितियों में आप यूज करेंगे। पहली सिचुएशन, जबकि आपको ऐसा लगता हो कि आपके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, आपका जीवन पूरी तरह खत्म हो चुका है, जो आप चाहते थे लाइफ में कर नहीं पाए और कोई कुछ पता ही नहीं है कि क्या मकसद है जीवन का, क्या आप करना चाहते थे, क्या आप करेंगे। तो जब जीवन में कोई रास्ता ना दिख रहा हो, कोई रास्ता पता ना हो, कोई उम्मीद की किरण ना हो, तब आपको चैंट करना है सनराइज। कैसे आप चैंट करेंगे? मन में जो भी आपकी इच्छा है उसको सोच लें, बोल लें और बोलना शुरू करिए मन में सनराइज सनराइज सनराइज। चाहे लिख भी सकते हैं, स्विचवर्ड चैंट करें या लिखें, सेम रिजल्ट होता है। लिखने से आपका कंसंट्रेट और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि आप बार बार लिख रहे हैं तो आपके ब्रेन को भी वो मैसेज आप दे रहे हैं। तो आप लिख भी सकते हैं, चैंट भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो ऐसी परिस्थिति में आप चैंट करेंगे सनराइज सनराइज सनराइज, लगातार चैंट करते जाइए। दूसरी परिस्थिति, जब आपको बहुत स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो और उसका रीज़न भी ना पता हो, मतलब आप स्ट्रेस में हैं लेकिन लाइफ में क्यों स्ट्रेस है, क्या रीज़न है, बहुत सारे समझ भी ना आ रहा हो, बस जीवन में उलझन है, क्लैरिटी नहीं है, क्यों परेशान हो, क्या क्या करना है कुछ पता नहीं है, जीवन का रास्ता नहीं पता, क्या रास्ते हमको चलना है वो नहीं पता, पर हम बहुत स्ट्रेस में, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में है, तब आप चैंट करेंगे सनराइज सनराइज। आप लगातार सनराइज को चैंट करेंगे। तीसरी परिस्थिति, इनर हैप्पीनेस के लिए। कभी कभी हमारे पास पर्याप्त पैसा भी होता है, परिवार में भी सब खुशहाल है, लेकिन अंदर से हम खुश नहीं हैं। कुछ कारण होते हैं इनर हैप्पीनेस जो हम नहीं महसूस कर पाते, उसके कुछ कारण होते हैं। बहुत बार हम अपने जीवन में वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, कैरियर में हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, चाहते कुछ और थे, चले गए किसी और रास्ते क्योंकि पैसा कमाना ज़रूरी था, मैरिज में किसी और से करना चाहते थे लेकिन परिवार ने, फैमिली के दबाव में कहीं और शादी हो गई, ठीक है उसमें भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक मलाल छुपा हुआ है कि हम वो नहीं कर पाए, अंदर से खुशी नहीं है। तो जब ऐसी परिस्थिति में आप हैं तो आप चैंट करेंगे सनराइज, क्योंकि जिस रास्ते आप चल रहे हैं अब आपको वहीं चलना है। तो ज़रूरी है कि अंदरूनी उत्साह के साथ खुशी मन से उस रास्ते पे चलें। तो खुशी, इनर हैप्पीनेस का एक स्विच वर्ड है सनराइज। जब आप सनराइज की चैंटिंग करना शुरू करेंगे तो आप परिस्थितियों के साथ जीना सीख जाएंगे, खुश रहना आप सीख जाएंगे कि जो भी परिस्थिति है, जैसी भी परिस्थिति है, अब आपको इसी में रहना है और उसमें आप इंजॉय करने लगे। तो तीसरा आपका सिचुएशन हो गई इनर हैप्पीनेस के लिए। फोर्थ सिचुएशन, आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस करने के लिए। कभी कभी दिमाग हमारा कुछ और सोचता है और माइंड हमारा, सबकॉन्शियस माइंड हमारा उसको मानता नहीं है, कॉन्शियस माइंड अपने अपने लॉजिक देता रहता है, दोनों में बैलेंस नहीं है। हमेशा बैलेंस होना ज़रूरी होता है। ऐसा भी नहीं है कि हम किसी भी बात को बिना लॉजिकल सोचे बस उसको एक्सेप्ट करते जाएं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को तो लॉजिकल सोचना ही नहीं है, उसको तो केवल चीज़ें रिसीव करनी है, पर लॉजिक देने का काम तो कॉन्शियस माइंड का है। तो ज़रूरी ये है कि कुछ चीज़ों में हम लॉजिक भी ढूंढें, कुछ चीज़ों को हम एक्सेप्ट भी कर लें कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक हो सकती है। तो दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप बिना सोचे कोई, बिना लॉजिक लिए कोई गलत बातें भी ना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में दे लें। तो दोनों दिमाग को बैलेंस करने का स्विचवर्ड है सनराइज। आप क्या चैंटिंग करेंगे लगातार? सनराइज सनराइज सनराइज। सनराइज एक ऐसा वर्ड है जो जीवन में उत्साह देता है।
जब भी लाइफ में मकसद छूट गया हो या मकसद पता ना हो या आप जीवन में क्यों आए हैं आपको मकसद नहीं पता है, तब आप चैंट करें सनराइज सनराइज सनराइज। जैसे कि सूर्य उगता है तो जीवन में रोशनी देता है, तो उसी तरह जब आपका जीवन एक अंधेरे में आ गया हो या तो किसी कारण से या फिर बिना कारण के भी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अंधेरे में आ जाते हैं, जीवन में उत्साह की कमी हो जाती है, तो ऐसे समय में ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो स्विचवर्ड आप चैंट करेंगे वो है सनराइज। सनराइज स्विचवर्ड को आप चैंट भी करें, जितना ज़्यादा कर सकें उतना चैंट करें, अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में भी लिखें सनराइज और अपने घर में भी तस्वीर लगाएं। सनराइज है तो स्विचवर्ड, लेकिन सनराइज का एक बहुत ही गहरा रिजल्ट है उसकी पिक्चर में। उसकी पिक्चर आपको दिखा रही है जीवन में एक नई शुरुआत। रोज सूर्य उगता है, शाम को सनसेट हो जाता है, लेकिन अगले दिन फिर से सूरज उगता है। यानी जीवन में कुछ परेशानी आई, आप सनसेट यानी कि आप उससे थक गए, हार गए, लेकिन आपको याद रखना है हर अंधेरे के बाद एक सुबह होती है। तो सुबह का प्रतीक, एक नई शुरुआत का प्रतीक, एक नए जीवन, एक नए उत्साह का प्रतीक है सनराइज। तो आपको उगते हुए सूर्य की तस्वीर लगानी है अपने साउथ वॉल पे, चाहे आप अपने, अगर आप खुद परेशान हैं तो अपने बेडरूम में आप लगा लें, साउथ वॉल पे उगते हुए सूर्य की एक अच्छी सी तस्वीर लगाइए। और अगर आपको घर में लगता है कि आप घर में लगा सकते हैं तो आप लिविंग रूम में लगा लीजिए। जीवन में बढ़ा दीजिए रेड कलर को, रेड कलर आपके जीवन में उत्साह देता है। रेड, ऑरेंज से लेकर रेड कलर तक, मतलब रेड का कोई भी टोन हो, ऑरेंज हो, लाइट ऑरेंज हो, वो आप पहनिए, उससे जीवन में एक हैप्पीनेस आती है, मतलब जॉय जॉय आता है, खुश रहने का माहौल बनता है, अंदरूनी खुशी आपको महसूस होगी। तो कलर आपको इस्तेमाल करने हैं रेड ऑरेंज। जब भी आप जीवन थका थका फील करते हो तो हमेशा इन कलर्स को ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर अच्छा महसूस होगा। तो साथियों, ये हुआ कि हम स्विचवर्ड सनराइज को हम कैसे इस्तेमाल करें और किन किन परिस्थितियों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी आप मुझसे कुछ वीडियोस चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहाँ पर देखकर आपको उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाकर बताऊँगी। थैंक यू दोस्तों।